एक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़े थे। ये एक्टिविटी सीरीज को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं इनके बारे में हम देखेंगे, मेटल्स कौन जो भी हैं, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। तो इसका फिर हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो जैसे हमने देखा ये एक्टिविटी सीरीज हमारे पास है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा पोटेशियम है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इतना रिएक्टिव है कि इसको हम बाहर ओपन एयर में भी नहीं छोड़ सकते। सोडियम है जैसे, इसको भी हम ओपन एयर में भी नहीं छोड़ सकते, बहुत रिएक्टिव है सोडियम। और इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम साबुन जैसा होता है, चाकू से भी काट सकते हैं। इससे मेटल है लेकिन ये मेटल हार्ड होते हैं, बट ये मेटल इतना सॉफ्ट है कि इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। और इसको भी हम मिट्टी के तेल में डाल डुबो के रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। केरोसिन ऑयल में डुब करके रखते हैं तो उसको बाहर रखेंगे तो ये एयर के कॉन्टेक्ट में आके ऑक्साइड बना के और आग पकड़ जाता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे पहले हमारा पोटेशियम है, इससे कम फिर सोडियम है, देन कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव है, जो हम कानों में पहनते हैं, अपने हाथों में ज्वेलरी पहनते हैं, वो सबसे कम रिएक्टिव है। उसका फ़ायदा क्या है कि उस पर जंग नहीं लगता। फिर आप जैसे सुनार से सोना खरीदते हो तो वैसा ही रहता है, क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं है ज़्यादा और वो ऐसी चमक बनाए रखता है अपनी। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। इसे सबसे ऊपर हमारे मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, अधिक क्रियाशील, मोर रिएक्टिव को हम अधिक क्रियाशील भी बोल सकते हैं, अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, ये अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। फिर ये नीचे से ऊपर, जब ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो इनकी अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये गोल्ड जो है ये सबसे कम क्रियाशील है और पोटेशियम जो है ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो इनकी हम कुछ भी हम आप प्रयोग के द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा हम करके देखेंगे कौन कौन सी देखते हैं, इनमें से हम कुछ उठाते हैं। जैसे हमने उठाया एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। हमने उठाया है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। इन चारों का हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे और पता लगाएंगे कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। साइंस में कोई भी चीज़ हम मुँह से बोल के थियोरेटिकली उसको प्रूव करना नहीं होता, हमें उसका प्रूफ देना होता है। तो इसको हम प्रयोग के द्वारा करके देखेंगे। एक्सपेरिमेंट 10th क्लास का एक्सपेरिमेंट है। हम जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर धातुओं को, कुछ हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, जिंक सल्फेट का है, आयरन सल्फेट का है, कॉपर सल्फेट का है एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, इसमें डाल के देखेंगे। यानी कि जैसे जिंक को हम डालेंगे, जिंक सल्फेट में डालेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी जिंक सल्फेट है, हम जिंक को डालेंगे आयरन सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में और एल्यूमिनियम सल्फेट में और देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही हम आयरन की बात करें तो इसमें नहीं डालेंगे हम उसको, क्योंकि ये जो ऑलरेडी आयरन सल्फेट है इसमें डालने की जरूरत नहीं है, हम इसमें डालेंगे जिंक सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में एंड एल्यूमिनियम सल्फेट में, देखेंगे क्या होता है। फिर हम लेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम इसमें नहीं डालेंगे, हम डालेंगे इसको जिंक सल्फेट के अंदर, आयरन सल्फेट के अंदर और कॉपर सल्फेट के अंदर। सेम बिल्कुल ऐसे ही कॉपर को हम कॉपर सल्फेट में नहीं डालेंगे, हम इन तीन पे डालेंगे जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट और देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब इनकी इससे हमें पता लगेगा कि रिएक्टिविटी, इनकी क्रियाशीलता कितनी है। ठीक है, तो अब हम इनका प्रयोग करके देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होगा, प्रैक्टिकली करके देखेंगे अब इनको कि इनको डालने पर क्या होता है, कौन सा क्रियाशील है इसके अंदर, जिंक क्रियाशील है, आयरन है, एल्यूमिनियम है या कॉपर है। वैसे तो हमें पता है लेकिन हम प्रैक्टिकली भी प्रूव करेंगे कि कौन सा इनमें ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सा कम क्रियाशील है। तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम से शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम को हम डालेंगे जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट में। तीन तीन टेस्ट ट्यूब हम लेंगे, यानी कि 12 टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, 12 फर्क करेंगे। देखिए जैसे ये 12 टेस्ट ट्यूब हम लेंगे, स्टार्टिंग में हम लेते हैं तीन। ठीक है, इन तीन के अंदर मैं सॉल्यूशन डालती हूँ
जैसे मैं डालती हूँ इसमें एल्युमिनियम डालना है हमें, एल्युमिनियम हमारा ये है, ये हमारा एल्युमिनियम मेटल पाउडर है, तो इसको हम डालेंगे इन तीन के अंदर। पहले मैं लेती हूँ एक मिनट स्पैचुला, इसमें मैं डालती हूँ कॉपर सल्फेट एक में, और एक में डालती हूँ आयरन सल्फेट, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं ताकि प्रयोग में हमें दिखाई दे इस तरह से। और इसमें हम लेते हैं ये है जिंक सल्फेट, इसका वाइट पाउडर है, इसको हम डालते हैं, पहले ढक्कन में डाल देते हैं। ठीक है, ये तीनों का हम सॉल्यूशन बनाते हैं पानी के अंदर। ये तीन हम सॉल्यूशन बनाएंगे, ये मैंने डाला है, एक में डाला है मैंने कॉपर सल्फेट ब्लू वाला, और मैंने ये थोड़ा सा ग्रीनिश डाला है फेरस सल्फेट 20 में, और वाइट पाउडर मैंने जिंक सल्फेट का डाला है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। इनको मैं शेक करती हूँ तीनों को, ये तीन सॉल्यूशन हमारे, ये थोड़ा सा अभी घुला नहीं है, आप ना ऐसे करते करते इस तरफ आ जाइए, इधर से ले घुमाते हैं, इधर से ले ताकि दिखाई देंगे केमिकल्स भी। ये अब हम टेस्ट ट्यूब स्टैंड के अंदर इसको रख देते हैं तीनों को, और ताकि पीछे वालों को भी दिखाई दे। और अब हम इसमें डालेंगे एल्युमिनियम मेटल का पाउडर, देखते हैं इनके कलर्स, देख लीजिए क्या कलर्स हैं, और डालने एल्युमिनियम डालने के बाद क्या कलर्स होंगे ये हम देखेंगे। ये देखिए सिल्वर जो है शाइनी होता है, रिजल्ट हम इसके देखते हैं अभी, क्योंकि ये रिएक्टिव है, देखिए सब पे सिल्वरी जो है आ गई है, सिल्वरी कोटिंग आपको नजर आ रही होगी सब पे। ये हमने एल्युमिनियम का टेस्ट किया, ऐसे हम चारों का करते हैं, रिजल्ट देखेंगे। इसमें एल्युमिनियम पाउडर है, अब हम डालेंगे आयरन पाउडर। इसके लिए हम तीन टेस्ट ट्यूब फिर से लेंगे, तीन टेस्ट ट्यूब में मैं डालूंगी इसमें, आयरन सल्फेट को नहीं डालना है हमने इसमें, इसमें हम डालेंगे, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, जिंक सल्फेट डालेंगे, इसको इसी में रहने दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हर बार डालना है हमें। ये मैंने डाला जिंक सल्फेट, इसमें डालूंगी मैं, क्योंकि हमें आयरन सल्फेट आयरन डालना है, तो हम डालेंगे इसमें एक में एल्युमिनियम सल्फेट, पहली बार हमने ओहो उसी पर डल गया गलती से, इसको आप डाल वापस कर दीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में और ले लेती हूँ, गलती से वही डल गया है कि टेस्ट ट्यूब में। ये हम ले रहे हैं एल्युमिनियम सल्फेट, इसमें जिंक सल्फेट,
एक्चुअली दोनों का वाइट कलर है, ये याद रखेंगे, बीच वाला हमारा जिंक सल्फेट है और एक में कॉपर सल्फेट। इसकी तो पहचान है क्योंकि ये ब्लूइश है कलर, तो इसकी पहचान तो इजी है। अब हम थोड़ा सा इसको पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं। ये याद रखेंगे कि बीच में हमारा कौन सा है, बीच में जिंक है, इधर एल्युमिनियम सल्फेट है। थोड़ा पानी डाल के इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। बीच में जिंक सल्फेट है, ये एल्युमिनियम सल्फेट है। मैं ऐसा करती हूँ, बीच में कॉपर को बीच में रखती हूँ, कॉपर सल्फेट, और ये मैंने रखा ये जिंक है, जिंक सल्फेट इधर है, और थोड़ा आप भी ध्यान रखेंगे ये एल्युमिनियम सल्फेट है। इस पर हम ए लिख देते हैं चौक से ताकि पहचान रहे, बीच वाला एल्युमिनियम है और ये जिंक है, जिंक सल्फेट, इससे थोड़ा सा पहचान रहेगी हमें। इसमें हम डालेंगे आयरन पाउडर, आयरन का पाउडर चाहिए था हमें, पाउडर चेक करना उसमें पाउडर है। हाँ, क्योंकि पाउडर चाहिए हमें, तो यस ये पाउडर है हमारे पास, पाउडर से हमें टेस्ट जो है हमारा ज़्यादा क्लियर होगा। तीनों में हम आयरन का डालेंगे। ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें आयरन, इनको शेक करते हैं तीनों को। अभी हम आधा कर चुके हैं, छः कर चुके हैं, तो मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले हमने लिया था कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट, और उसमें हमने डाला था एल्युमिनियम का पाउडर। तो एल्युमिनियम क्योंकि बहुत रिएक्टिव है, तो ये क्या करता है, सब में आपको एल्युमिनियम जो है नज़र आ रहा है, तो इसने क्या किया, इस रिएक्शन में ये एल्युमिनियम जो है बिल्कुल कोई रिएक्शन इसके साथ नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, मेटल जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इनसे अलग से दिखाई दे रहा है आपको, करनी चाहिए इसको एक मिनट, अभी देखते हैं। नहीं नहीं, इसने इसको विस्थापित कर दिया है, इसलिए ये आपको ये इसकी जो है अलग दिखाई दे रहा है, इसमें सिल्वरी कोटिंग आ गई है तीनों के अंदर। दूसरा हमने किया था आयरन का किया था, हमने एक में लिया था एल्युमिनियम सल्फेट, एक में हमने लिया था कॉपर सल्फेट, और एक में हमने लिया था जिंक सल्फेट। तो आयरन जो है वो एल्युमिनियम से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है उससे, तो उस रिएक्शन को वहाँ पे वो कुछ नहीं करेगा, ऐसे कैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए उसके सॉल्यूशन को ये कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। अगर इसे ज़्यादा रिएक्टिव होता तो इसको डिस्प्लेस कर देता। कॉपर सल्फेट में देखिए कलर चेंज हो गया है, ये वाला हमने प्रयोग पहले भी किया था, ये देखिए इसका कलर जो था ब्लूइश से ब्राउनिश होता जा रहा है, अगर थोड़ी देर और रखेंगे तो बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा इसका कलर, तो इसको ये डिस्प्लेस करता है क्योंकि कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है आयरन से। तीसरा था जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में देखिए कुछ हुआ, देखिए कलर हुआ है चेंज, बताइए आप, अगर आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक्चुअली जिंक जो है कोई कलर चेंज नहीं हुआ, जिंक जो है आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके सॉल्यूशन को ये कुछ नहीं कर सकता, यानी कि इसका कलर एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ चेंज किस पे आया, कॉपर सल्फेट के अंदर। ठीक है, अब हम अगला करते हैं, अगला हम लेंगे अब हम लेते हैं, हम एल्युमिनियम कर चुके हैं और हम आयरन कर चुके हैं, अब हम लेते हैं थर्ड आपका जिंक ले लेते हैं।
ये जिंक के पीसेज हैं, एक्चुअली बहुत बड़े पीसेज हैं, थोड़े छोटे होने चाहिए थे, छोटे निकाल लेते हैं इसमें से हम, ताकि रिएक्शन जो है इजीली हो जाए। छोटे स्टॉप कर दें। ये हम कर चुके हैं, हमने अभी एल्युमिनियम का टेस्ट कर चुके हैं, जिंक का कर चुके हैं, सॉरी आयरन का कर चुके हैं, अब हम करेंगे जिंक का। ये जिंक है हमारे पास, जिंक के पीसेज हैं, तो हम फिर से 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे एंड 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डालेंगे, एक में हम डालेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट बड़ा इजीली सबको समझ आता है क्योंकि ब्लू कलर, बड़ा सुंदर सा ब्लू कलर आता है इसका, कॉपर सल्फेट है ये। एक में हम लेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, और एक में हम लेंगे आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट ना सॉरी, हम क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं जिंक का, तो जिंक सल्फेट हम नहीं लेंगे। ये हमने लिए, थोड़ा सा वाटर डालेंगे इसके अंदर हम सॉल्यूशन बनाने के लिए। तीनों का सॉल्यूशन, ये इस इन सॉल्यूशंस का हमें क्लियर पता लग रहा है। एक्चुअली कलर हमारे अलग अलग है, वाइट पाउडर में हमारे पास एक ही था, तो इसकी हमें पहचान है। ये हमारे पास है वाइट पाउडर वाला एल्युमिनियम सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का कलर अपने आप आपको पता है, ब्लूइश कलर होता है, सुंदर सा ब्लूइश कलर, ये कॉपर सल्फेट है, इसको बीच में रखेंगे। और ये है हमारा आयरन सल्फेट, थोड़ा सा येलोइश ब्राउनिश कलर इसका इसका होता है, जैसे कि ये। इनको अब हम टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देते हैं पहले, और इसमें मैं डालती हूँ थोड़े से जिंक के पीसेस, देखते हैं कितना रिएक्टिव है जिंक। थोड़ा सा टाइम लेगी रिएक्शन, तो रिज़ल्ट हम बाद में फिर से सबका देख लेंगे एक बार, जितना भी हमें दिखाई देगा उतना अभी देखते हैं, बाकी हम बाद में देखते हैं, क्योंकि इसका एक्चुअली पाउडर होना चाहिए और हमारे पास पाउडर नहीं है, छोटे छोटे पीसेज हैं हमारे पास। तो देखते हैं क्या होता है, इनको मैं शेक करती हूँ। मैंने आयरन सल्फेट में डाला इसको, जिंक को, तो इसकी रिएक्शन होएगी अभी थोड़ी देर में, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, इसमें भी होगी, क्योंकि कॉपर सल्फेट तो बेचारा सबसे ही कम रिएक्टिव है, तो इसमें देखिए कलर चेंज हो गया इसका। और ये एल्युमिनियम सल्फेट है, अब एल्युमिनियम जो है ये ज़्यादा एल्युमिनियम सल्फेट जो है इसमें कुछ नहीं होगा, इसकी कोई रिएक्शन, क्योंकि एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इन चारों मेटल्स के अंदर, तो इसमें कोई रिएक्शन आपको दिखाई देगी, कोई रिएक्शन इसमें हो ही नहीं रही। एक बार हम फिर से लेंगे इनको, एक बार पूरा कर लेते हैं कंप्लीट। अब हमारे पास एक बचा है सॉल्ट, वो है कॉपर। अब हम इन 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर को छोड़ के, कॉपर सल्फेट को छोड़ देते हैं, उसको हटाते हैं, और हम ये 3 लेंगे, जिंक सल्फेट लेंगे, पहले ही मार्क कर लेते हैं जिंक का, यहाँ पे हम लेंगे जिंक लिख लेते हैं, क्योंकि पाउडर की कलर जो है इनका दोनों का सेम है, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं एल्युमिनियम। तो मैं पहले जिंक वाला लेती हूँ, ये जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, हाँ ये जिंक सल्फेट डाला मैंने, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका सॉल्यूशन बना के रख देते हैं। ये जिंक सल्फेट है, जिंक के सामने रख दिया हमने पहचान के लिए। और अब हम इसमें लेंगे आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट का अपना कलर है, तो इसको हम पहचान पाते हैं इजीली, ग्रीनिश कलर है, मार्क करने की ज़रूरत नहीं है इसको ऐसे। और इसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसका भी सॉल्यूशन बना लेते हैं। ये हमारा आयरन सल्फेट है, बचा थर्ड हमारा, थर्ड है हमारा
एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम रह गया, ये हम लेते हैं इसके अंदर। और हम इसका भी सॉल्यूशन वाटर के अंदर बनाते हैं। रिएक्शन को देखना है तो हमें वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो ये हमने तीनों ले लिया। इसमें हम डालेंगे, ऐड करेंगे कॉपर। कॉपर जो है, ये हमारे पास कॉपर है, थोड़ा सा कॉपर डाल के देखते हैं। एक्चुअली कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है। इसमें पावर नहीं है किसी भी मेटल को डिस्प्लेस करने की, तो कोई रिएक्शन इनमें होगी नहीं, बट फिर भी हम देखने के लिए हम ये रिएक्शन करेंगे। ये मैंने तीनों में डाल दिए और अब हम इनको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कोई रिएक्शन होती है कि नहीं। ये हमने एल्युमिनियम सल्फेट था, कोई रिएक्शन नहीं है। ऐसे का ऐसा एल्युमिनियम, इसमें कॉपर है और कोई रिएक्शन इसमें नहीं है। ये है हमारा आयरन सल्फेट। अब आयरन भी जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कोई रिएक्शन इसमें भी नहीं है, वही सेम कलर है। सेम ऐसे ही जिंक सल्फेट में भी कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि जो कॉपर है वो वीक है जिंक से, तो इन तीनों में ही कोई रिएक्शन नहीं है। कॉपर क्योंकि सबसे ज़्यादा वीक है इसलिए इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं है। अब हम एक बार स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं इनको। फर्स्ट हमने क्या लिया था, फर्स्ट हमने एल्युमिनियम का टेस्ट किया था। अब इससे क्या पता लग रहा है हमारा कि सबसे ज़्यादा जो हमने किया है इसमें हमें लगा कि एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर इससे ऊपर जिंक आएगा हमारा, फिर आयरन, फिर हमारा आएगा कॉपर। ये सीरीज़ है हमारी। अब इसको प्रूव करने के लिए हम फिर से देखते हैं। सबसे हमने इसमें देखा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा एल्युमिनियम है और सबसे कम रिएक्टिव हमारा कॉपर है। एल्युमिनियम से थोड़ा कम रिएक्टिव जिंक है, इससे थोड़ा कम रिएक्टिव आयरन है, इससे थोड़ा कम कॉपर है। इसको प्रूव करने के लिए हमने चार तरह के सॉल्ट लिए थे। कौन कौन से थे? ये हमारा जिंक सल्फेट था, एल्युमिनियम सल्फेट था, फेरस सल्फेट था, आयरन सल्फेट बोल सकते हैं, और कॉपर सल्फेट। ये चार थे हमारे पास। अब जिस हमें पाउडर को इसमें डालना है तो हम वो तो लेंगे नहीं, वो वाला सॉल्यूशन के बजाय हमने तीन तीन लिए। तो इस तरह से हमने चार का टेस्ट करने के लिए थ्री टेस्ट ट्यूब का यूज़ किया। 12 टेस्ट ट्यूब आपके सामने हैं। इसमें सबसे पहले हमने एल्युमिनियम का टेस्ट किया, हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, उसमें एल्युमिनियम पाउडर ऐड किया, फिर हमने बनाया जिंक सल्फेट का, इसमें भी हमने ऐड किया एल्युमिनियम पाउडर को, फिर हमने लिया आयरन सल्फेट, उसमें भी हमने ऐड किया एल्युमिनियम पाउडर। तो ये आपके सामने रिएक्शन है, बिल्कुल पूरे पे आप कोटिंग देख सकते हैं सिल्वर की कोटिंग, क्योंकि सिल्वर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और आपको पूरी की पूरे पे ये इसने नज़र आएगी आप पे कोटिंग इसके ऊपर। यानी कि इसने सभी तीनों में से ही डिस्प्लेस कर दिया है मेटल को और खुद एल्युमिनियम सल्फेट इसका बन गया है तीनों में। फिर हमने ट्राई किया जिंक के लिए। जिंक के लिए फिर हमने वही तीन सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट छोड़ के हमने लिया पहले एल्युमिनियम सल्फेट लिया, उसमें डाला हमने आयरन को, फिर हमने लिया कॉपर सल्फेट, उसमें डाला आयरन को, फिर हमने लिया जिंक सल्फेट, उसमें डाला आयरन को। अब आयरन भी सीरीज़ के हिसाब से क्या है, इस सीरीज़ के देखा, इधर देखिए एक बार, ये सीरीज़ में हमारी सबसे ज़्यादा है एल्युमिनियम, देन हमारा है, इसके बाद आएगा हमारा जिंक, देन हमारा आयरन, और देन हमारा कॉपर। ये सीरीज़ है। तो इसके लिए हमने क्या देखा, यहाँ पे उल्टा हो गया, तो हमने क्या देखा इसमें कि अब क्योंकि आयरन जो है एल्युमिनियम से भी वीक है और जिंक से भी वीक है, तो ये इन दोनों सॉल्यूशन के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा। इन दो सॉल्यूशन के अंदर इसने कुछ नहीं किया, ऐसे एज इट इज़ ये पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन ऐसे के ऐसे हैं, कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। तो इसने कहाँ पे असर किया, इसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पे असर किया, क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है ये आयरन, तो इसने इसके सॉल्यूशन के कलर को चेंज कर दिया। ये आपको चेंज दिखाई देगा, ये देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया अब,
इसका थोड़ा हम शेक करेंगे, थोड़ा टाइम वो रखेंगे, इसका कलर बिल्कुल, कहाँ इसका कलर था हमारा ब्लूइश, प्यारा सा ब्लूइश, ऐसा ब्लूइश था जैसा नीचे इसमें दिख रहा है, और अब हमारा ये कलर जो है बिल्कुल ही डार्क ब्राउन या ब्लैकिश हो गया है। तो इसमें सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब में फ़र्क पड़ा। अब आइए, आपने हमने थर्ड में क्या किया था, हमने इसमें थर्ड में हमने डाला है जिंक। जिंक डालने के लिए हमने सॉल्यूशन लिया, तीन सॉल्यूशन लिए हमने, एल्युमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट और हमने लिया आयरन सल्फेट। तीन हमने ये सॉल्यूशन लिए, जिंक सल्फेट, सॉरी जिंक तो हमने डाला, एल्युमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड आयरन सल्फेट। इसमें जब हमने डाला जिंक, तो एल्युमिनियम सल्फेट क्योंकि एल्युमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्टिव को ये कुछ नहीं कर पाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें देखिए आप क्लियर जिंक के पीसेस नीचे पड़े हुए हैं, सॉल्यूशन अपने आप ऐसा का वैसा है, एल्युमिनियम सल्फेट का कलर ये भी चेंज नहीं कर पाया, कोई भी नया जो है प्रोडक्ट नहीं बना इसमें। अब देखते हैं, अब कॉपर सल्फेट पे तो हर एक का असर होगा क्योंकि कॉपर सबसे वीक है। इसका भी कलर अभी आपको दिखाई देगा, ये देखिए बिल्कुल ही कलर इसका चेंज हो गया है, ये कॉपर सल्फेट का कलर बिल्कुल चेंज हो गया, यानी कि इसने क्या बनाया यहाँ पे, जिंक सल्फेट बनाया, कॉपर अलग हो गया इससे, जिंक सल्फेट वाला कलर इसमें आ गया है। थर्ड हमारा था आयरन सल्फेट, अब जिंक डाला है तो जिंक जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसके ऊपर भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो सॉल्यूशन था आयरन सल्फेट का वैसा ही वो इसमें दिखाई दे रहा है हमें, और जिंक का पीस नीचे पड़ा हुआ है। ये हमारी थी थर्ड रिएक्शन तीन टेस्ट ट्यूब के साथ। अब हम जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे हमने कॉपर का टेस्ट करना है क्योंकि, तो हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तो नहीं लिया, हमने लिया इसमें जिंक सल्फेट। देखिए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जब हमने कॉपर डाला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि कॉपर सबसे ज़्यादा वीक है, कॉपर जो है वो सबसे ज़्यादा वीक मेटल है, तो इसका कोई असर, ये किसी कोई रिएक्शन पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन एज इट इज़ है, ऐसे का ऐसा है। सेकंड हमने आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर इसको डाला तो देखिए इस पर भी कोई असर नहीं हुआ, एज इट इज़ ये भी यूं का यूं है। थर्ड हमने लिया इसको एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम तो क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग है, उस सॉल्यूशन में देखिए एल्युमिनियम सल्फेट का क्लियर सॉल्यूशन बना हुआ है, वाटरी सॉल्यूशन बिल्कुल, और इसमें भी जो है कॉपर नीचे एज इट इज़ पड़ा हुआ है क्योंकि ये बहुत वीक है, इसलिए इसका कोई भी असर नहीं है, एज इट इज़ ये है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्युमिनियम है, उससे कम जिंक है, उससे कम आयरन है एंड सबसे कम कॉपर है। तो ये हमने जो है आज हमने किया।